क्या आप जानते हैं कि अरबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं या फिर कुंदरू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कटहल को, टिंडे को, सफ़ेद पेठे को? क्या आप जानते हैं इन सबकी इंग्लिश? अगर नहीं जानते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ आमतौर पर इंडियन मार्केट में पाई जाने वाली सभी सब्जियों के नाम। मैं आपको बताऊँगी हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम और साथ ही बताऊँगी कि उनको सही तरह से बोलना कैसे है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पत्ते वाली सब्जियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहले आता है सरसों का साग, जो सबको पसंद होता है। सरसों का साग, मक्की की रोटी सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो वो सरसों के पत्ते जिनसे सरसों का साग बनता है, उन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं मस्टर्ड लीव्स। पालक को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनच। तो इसका सही प्रोनंसिएशन सीखिए, पालक को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनच। मेथी के पत्तों को इंग्लिश में बोलते हैं फेन्युग्रीक लीव्स। चौलाई का एक साग होता है जो दो तरह के रंग में आता है, एक लाल तरह का और एक हरे रंग का। लाल वाले को कई बार हिंदी में लाल साग भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं एमरंथ लीव्स। कुल्फा साग होता है जो कहीं कहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिलता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सलेन, पर्सलेन। एक होता है सुआ भाजी, सुआ के पत्ते होते हैं, सुआ का साग होता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं डिल लीव्स। चटनी बनाने के लिए हम धनिया यूज करते हैं, धनिए के हरे हरे पत्ते, धनिए के पत्तों को इंग्लिश में बोला जाता है कोरिएंडर लीव्स। पुदीने के पत्तों को इंग्लिश में बोलते हैं मिंट लीव्स या फिर सिर्फ मिंट। अब हम आते हैं गॉड फैमिली की तरफ। कुंदरू को इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल गॉड। घिया को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल गॉड, इसको गॉड नहीं बोलेंगे, गॉड, गॉड। टिंडे को इंग्लिश में बोलते हैं राउंड गॉड। तोरी को इंग्लिश में बोलते हैं रिज गॉड। मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए रिज गॉड। परमल को हम बोलेंगे स्नेक गॉड या पॉइंटेड गॉड, स्नेक गॉड, पॉइंटेड गॉड। सफ़ेद पेठा, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऐश गॉड, ऐश गॉड। करेले को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिटर गॉड, बिटर गॉड। करेला हर किसी को पसंद नहीं आता, किसी किसी को बहुत कड़वा लगता है और किसी किसी को बहुत पसंद होता है। फूलगोभी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। पत्ता गोभी या बंद गोभी को इंग्लिश में बोला जाता है कैबेज। एक और सब्जी होती है जो फूलगोभी या बंद गोभी की जैसी ही होती है और उन्हीं फैमिली को बिलोंग करती है, उसका नाम होता है गांठ गोभी, शायद आपने सुना हो। गांठ गोभी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलराबी, कोलराबी। अदरक को इंग्लिश में बोला जाता है जिंजर। लहसुन को इंग्लिश में बोलते हैं हम गार्लिक। हरे प्याज को इंग्लिश में बोला जाता है स्प्रिंग अनियन या फिर ग्रीन अनियन। गवार की फली को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर बीन्स। और फ्रांस बीन जो होती है, वो दूसरी तरह की फलियां होती हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंच बीन्स। सेम की फली को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रॉड बीन्स। सहजन की फली इंग्लिश में बोलते हैं ड्रमस्टिक्स, इसको सांबर में डाला जाता है, आपने सांबर में ड्रमस्टिक्स खाई होगी। तो आलू जो कि सब्जियों का राजा है, उसको बोलते हैं पोटैटो, पोटैटो नहीं, पोटैटो। शकरकंदी को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। अरबी को इंग्लिश में बोलते हैं कोलोकेशिया, कोलोकेशिया। और कचालू, कचालू जिसकी चाट बनती है, कचालू को इंग्लिश में बोलते हैं यैम। तो मशरूम को इंग्लिश में भी मशरूम ही कहा जाता है। चुकंदर को इंग्लिश में बोलते हैं बीट रूट, बीट रूट। शलगम को इंग्लिश में बोला जाता है टर्निप। मटर को बोलते हैं पीज। भिंडी को हम बोलते हैं लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। कहीं कहीं पर इसको ओकरा भी बोला जाता है। गाजर, जिससे गाजर का हलवा बनाकर हम भर भर के खाते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट। मूली को इंग्लिश में बोलते हैं रेडिश। कच्चा केला, कच्चे केले की सब्जी बनती है, पके हुए केले को तो हम फल की तरह खाते हैं, कच्चे केले की सब्जी बनती है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं रॉ बनाना या फिर प्लांटेन, प्लांटेन। कद्दू को इंग्लिश में बोलते हैं पम्पकिन, पम्पकिन। खीरे को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूकम्बर, कुकम्बर नहीं, क्यूकम्बर। हरी मिर्च को बोलते हैं ग्रीन चिली, ग्रीन चिली। टमाटर जो कि फल में भी आ जाता है, सब्जियों में भी, टमाटर एक्चुअली में तो एक फल है लेकिन उसको सब्जियों में भी इंक्लूड किया जाता है क्योंकि सब्जी बनाई जाती है, उसको हम जनरली पकाते हैं। तो टमाटर को आप टमेटो भी बोल सकते हो, टमाटो भी बोल सकते हो, पर टोमेटो नहीं बोल सकते। कमल ककड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं लोटस स्टेम या फिर लोटस रूट। बैंगन को हम बोलते हैं ब्रिंजल, जो कि सबसे कॉमन नेम है। बैंगन को एग प्लांट भी बोला जाता है। और तीसरा नाम है ओबरजीन, ओबरजीन भी बैंगन का ही नाम है। शिमला मिर्च को हम बोलते हैं बेल पेपर, तो लाल हो, पीली हो या हरी हो, कोई भी शिमला मिर्च हो तो हम उसको बेल पेपर बोल सकते हैं, लेकिन कैप्सिकम सिर्फ हम हरी शिमला मिर्च को ही बोल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी सब्जी जिससे हमारी सब्जियों का स्वाद बढ़ जाता है, वो है प्याज। प्याज को इंग्लिश में बोलते हैं अनियन, ऑनियन नहीं, अनियन। ये थे सारी सब्जियों के नाम। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन कौन सी सब्जियों के नाम नहीं पता थे और आज कौन कौन से नाम आपने नए सीखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आए उसको भी प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ जल्दी अगले वीडियो में।